नमस्कार दोस्तों, आज नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। रोजाना की कड़ी में आज हम वापस करंट अफेयर लेके आए हैं। करंट अफेयर जो है वो हमारा 28 जुलाई का करंट अफेयर है। रोजाना हम आपको एज ए 5 क्वेश्चन बोल दो या 5 न्यूज़ बोल दो, उनके बारे में बात करते हैं। 5 न्यूज़ चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे राज्य की हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें सारे को जोड़ के हम बताते हैं। तो आज की जो 5 न्यूज़ हैं उनके बारे में आप देखें, तो 5 न्यूज़ के बारे में पहले न्यूज़ के बारे में आप बात कर लें। भारत की पहली ई लोक अदालत, भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पर खोली गई है, मतलब ऑनलाइन लोक अदालत जो खोली गई है वो छत्तीसगढ़ में खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है? छत्तीसगढ़। कल आपने देखा तो APJ कलाम साहब की मतलब पुण्यतिथि थी, तो APJ कलाम साहब की पुण्यतिथि पे काफ़ी प्रोग्राम हुए, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो APJ कलाम साहब, ठीक है। नंबर 3, आज का पेपर देखा हो या कल का पेपर देखा हो तो बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन प्रदान किए गए हैं। लोकोमोटिव इंजन प्रदान किए हैं यानी डीजल इंजन प्रदान किए गए हैं। किसको? बांग्लादेश को। तो भारत और बांग्लादेश संबंधों के बारे में भी बात होगी। तीसरी, नाबम राबिया मामला जो राजस्थान की विधानसभा में राज्यपाल और सरकार को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, उसमें आपका पटापेक्ष करेगा। नाबम राबिया मामला कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और लास्ट टॉपिक है 15वां वित्त आयोग, उसने पंचायती राज संस्था और स्थानीय संस्थाओं के लिए राजस्थान को 1930 करोड़ की किस्त जारी की है। तो ये टॉपिक आपका 15वें वित्त आयोग के बारे में बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी टोटल न्यूज़ है 5। पहली लोक अदालत कहाँ पर खोलेगी? तो छत्तीसगढ़ में। दूसरी APJ कलाम साहब के लिए है। तीसरा टॉपिक है बांग्लादेश और भारत के संबंधों में लोकोमोटिव इंजन वाला है। चौथा आपका नाबम राबिया मामला है, जो अभी राजस्थान की राजनीति में राज्यपाल और सरकार का जो विरोधाभास चल रहा है उसको लेकर है। और 5वां 15वां वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो ये 5 न्यूज़ है दोस्तों। इन 5 न्यूज़ की हम डिटेल करेंगे, जिसके बारे में हम विस्तार से देखें। देखो, मैं फिर बोलना चाहूँगा, मैंने भी करंट अफेयर सारे ऑनलाइन क्लासेस सब में देखा है, लेकिन आप थोड़ी तुलना करके देखिएगा, आपको एक अलग करंट अफेयर मिलेगा और जो आपकी सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। कई स्टूडेंट देखते हैं करंट अफेयर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये करंट अफेयर नहीं है, ये सब सब्जेक्टों को जोड़ रहा है। जैसे आप SCF की परीक्षा जनरल जी के आता है, पटवारी परीक्षा जनरल जी के आता है, कांस्टेबल परीक्षा जनरल जी के आता है, ये टॉपिक का नाम ही जनरल जी के एंड अवेयरनेस है। तो इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अब मैं 1 मिनट का आपको समय दूंगा, जिसमें आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको डिटेल से बता सकें। देखिएगा, अब हमारा पहला टॉपिक है भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पर खोलेगी। तो फैक्टुअल क्वेश्चन हो गया, भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पर खोलेगी? तो छत्तीसगढ़ में खोलेगी। अब इसके बारे में हम बात करें कि वह मंच क्या होता है। तो एज ए ये न्यायालय है, लेकिन कौन सा न्यायालय है? तो न्यायालय के 2 पार्ट हैं, औपचारिक और कौन सा? अनौपचारिक। तो एज ए ये अनौपचारिक न्यायालय है कि वह मंच जो विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवाद का निपटारा करता है, वह क्या कहलाता है? लोक अदालत। देखो, आप RS की परीक्षा, मुख्य परीक्षा देखते हो तो सारी चीज़ें इसमें 15 शब्द में है कि वह मंच जहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते से विवाद को निपटाया जाता है, वह क्या कहलाती है? लोक अदालत कहलाती। मतलब जैसे अपन जाएंगे अदालत में, वैसे नॉर्मल औपचारिक अदालत में, तो वहाँ पे सिस्टमेटिक काम चलेगा। यहाँ पे दोनों पक्षों को बुला करके और उनके समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। तो एज ए एक अनौपचारिक प्रयास है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोक अदालत। अब प्रश्न उठता है, लोक अदालत आई कैसे?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A या 39K आपको देखा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क न्याय का प्रावधान किया गया था। उसी निःशुल्क न्याय के प्रावधान के तहत विधिक सेवा अधिनियम बना 1987 में। विधिक सेवा अधिनियम कौन सा बना 1987 में, कि लोगों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाए, सेवा समुचित ढंग से उपलब्ध कराई जाए, सस्ती करवाई जाए और सही समय पर करवाई जाए। तो जो न्यायपालिका की कमियों को दूर करने के लिए विधिक सेवा अधिनियम 1987 में आया, और 87 के अधिनियम के तहत तो आधार तो कौन देता है, 39A अनुच्छेद 39A, और इसका अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम है 87, और 87 के तहत पहली लोक अदालत इंडिया में गुजरात में खुली। पहली लोक अदालत कहाँ पर खुली, गुजरात। तो राजस्थान में पहली लोक अदालत खुलने का मार्ग प्रशस्त कहाँ पर हुआ, कोटा में। कहाँ पर हुआ, कोटा। तो इंडिया में कहाँ पर है, गुजरात। तो राजस्थान में कहाँ पर है, कोटा। राजस्थान में कहाँ पर है, कोटा। फिर राजस्थान में स्थायी लोक अदालत पहली खुली उदयपुर में। कहाँ पर खुली, उदयपुर। और राजस्थान पूरे राज्य में सभी जिलों में स्थायी लोक अदालत खोलने वाला देश का पहला राज्य है, स्थायी लोक अदालत खोलने वाला पहला राज्य है। और अभी हाल ही में पहली ई लोक अदालत कहाँ पर खुली है, तो छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों आपने देखा तो सारी चीज़ें आ गई इसमें, सारी। मैं एक स्टूडेंट्स को कई बार चैलेंज देता हूँ कि भाई आप कुछ भी पढ़े सब आ रहा है, गूगल में जिस प्रकार देखते हैं तो वहाँ भी आपको इतनी न्यूज़ नहीं मिलेगी, तो इसको चीज़ें देखें। तो इस प्रकार से आपने, मैंने सारी लोक अदालत के बारे में आपको बात बताई। तो इसी के साथ अपना करंट था, और इसी के साथ न्यायपालिका के नवीन आयाम हो गए। अब दूसरा टॉपिक है APJ कलाम की पुण्यतिथि। APJ कलाम की पुण्यतिथि पर हमने उनको याद किया, उनसे जुड़ी हुई हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें वो देखिएगा। देखिए APJ कलाम साहब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मतलब हमारे देश की जो मिसाइलों की शुरुआत करने का जो श्रेय है, जैसे मैंने बताया पिछली क्लास में भी कि हमारी 5 मिसाइलें थी जिनकी शुरुआत इन्होंने की, अग्नि, पृथ्वी, आपका कौन सा त्रिशूल, नाग। इन मिसाइलों का जो कॉन्सेप्ट बनाया था वो किसने बनाया था, APJ कलाम ने। तो APJ कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दूसरा है द्वितीय परमाणु परीक्षण हमारा 98 में हुआ, पोखरण जैसलमेर में। उस परमाणु परीक्षण में भी मुख्य भूमिका, जो उस समय अटल जी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण राजस्थान में हुआ, उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, तो APJ कलाम साहब की थी। APJ कलाम साहब की। कलाम साहब ने यहाँ पे एक बात बोली, क्योंकि कलाम साहब एज ए संत थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए ऐसा इंडिया में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो निर्विवाद, जिसके ऊपर कोई विवाद हो, कोई व्यक्ति आलोचक हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, तो एक महान आत्मा थी। तो इन्होंने एक शब्द बोला यहाँ पे कि राजस्थान की तपती धरती, राजस्थान की तपती धरती एक दिन सोना उगलेगी यहाँ पे। तो वो तपती धरती, उनके वचन सिद्ध हो गए, राजस्थान की तपती धरती जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो भी है, ये तपती धरती आज सोना उगल रही है। नीचे की तपती जमीन में से तेल निकल रहा है, तो ऊपर की तपती जमीन से सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा आ रही है, और आज राजस्थान एक मिनी जापान के रूप में उभर रहा है। तो वो क्यों उभर रहा है, तो कलाम साहब के वचन हैं, उनके बाद काफ़ी विकास हुआ है। तो ये तपती धरती सोना उगल रही है किसके विचार थे, तो APJ कलाम साहब के। नंबर 1, ये वैज्ञानिक रहे हैं, और वैज्ञानिक और जनराष्ट्रपति, मतलब एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति रहे हैं तो APJ कलाम, और जनता के चहेते राष्ट्रपति यानी जन राष्ट्रपति रहे हैं तो वो भी कौन रहे, APJ कलाम साहब, APJ कलाम। और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। इनकी बुक्स है अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड और विजन 2020, फिर प्रसिद्ध बुक है, जो इससे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई थी कि कौन कौन सी, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड और विजन 2020। विजन 2020 में उसने एक 2020 का भारत का एक अच्छे स्वर्णिम भारत का सपना देखा था। उसमें उसने कुछ चीज़ भी बताई, उन्होंने द्वितीय हरित क्रांति की बात की, द्वितीय हरित क्रांति, कि अब हमारे देश में द्वितीय हरित क्रांति की जरूरत है। और द्वितीय हरित क्रांति का कौन कॉन्सेप्ट लेके आया, तो APJ कलाम। और ये
सबसे पहले प्रयोग एज ए किया तो वो कहाँ पर किया, बिहार में। एक प्यूरा मॉडल वो लेके आए कि आप गांव को भी शहर जैसी सुविधा देने वाला बनाओ। प्यूरा का मतलब है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, गांव में शहर जैसी सुविधा प्रदान करने वाली योजना, जिसको क्या बोलते हैं प्यूरा। तो प्यूरा मॉडल 2003 में आया और इसी को आजकल नाम दे दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना। रूरल अर्बन का मतलब गांव की आत्मा और सुविधा शहर की, सुविधा तो किसकी शहर की और आत्मा किसकी गांव की। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना का आधार पूरा मॉडल प्यूरा मॉडल ही है कि गांव को भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाए। तो ये आपका कौन सा है प्यूरा मॉडल, तो ये हमारे कलाम साहब का योगदान है। फर्स्ट ग्रेड में दो क्वेश्चन आ गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना भी आई और ये तीन बोले किताबें भी पूछी। तो इस प्रकार से आप देखते हो तो जनरल क्वेश्चन होते हैं, हर परीक्षाओं में आते हैं। आगे देखिए, तो इस प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन हमने बताया वो APJ कलाम साहब के बारे में बताया। तीसरा क्वेश्चन है बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज लोकोमेटिक इंजन, आज का पेपर देखा हो तो हमने प्रदान किए हैं। तो क्यों किए, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि भी कनेक्टिविटी बनी रहे, आयात निर्यात में सुविधा रहे, मतलब इसके लिए हमने दिया है। और 10 डीजल इंजन दिए हैं, कितने इंजन दिए हैं 10, तो भारत और इसका मूल आधार है पड़ोसी फर्स्ट की नीति, पड़ोसी फर्स्ट, कि हम सबसे पहली सहायता किसकी करेंगे, पड़ोसियों की करेंगे। तो आपको बताया पड़ोसी प्रथम की नीति सबसे पहले कौन लेके आया, इंद्र कुमार गुजराल, और इनको चरम पे पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। तो पड़ोसी प्रथम की नीति इंद्र कुमार गुजराल और किसकी है, पड़ोसियों पर, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल बोलते थे कि हमें सबसे पहले पड़ोसियों पर ध्यान देना चाहिए। उसी नीति को आगे किसने बढ़ाया, APJ कलाम साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने बढ़ाया है। तो पड़ोसी प्रथम की नीति एक बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। और अब हम बांग्लादेश के बारे में बात करें, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। बांग्लादेश की राष्ट्रपति इस दिनों कौन है, तो शेख हसीना वाजिद, जो आवामी लीग पार्टी की हैं। ये बांग्लादेश कहाँ से बना, तो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पूर्वी पाकिस्तान को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के माध्यम से स्वतंत्र करा दिया और शिमला समझौता हुआ उसके माध्यम से 1972 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश बना। ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश का संयोग से जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा राष्ट्रगान रचा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान रचा है। दोस्तों ये जनरल बातें हैं जो आप एक साथ कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश के बारे में। आज बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन से विवादास्पद क्षेत्र हैं, विवादास्पद क्षेत्र, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा है उसमें एक मोरी नदी है, कौन सी नदी है, मोहरी, और मोहरी नदी के बाद 3 बीघा गलियारा है, और 3 बीघा गलियारा एक फरक्का बांध को लेकर के भी कभी कभार विवाद होता है। फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बना हुआ बांध है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में पेयजल पानी की सप्लाई को लेकर है। तो ये कुछ विवादास्पद मुद्दे भी हैं जिनमें कौन है फरक्का, नंबर 2 आपका कौन सा मोहरी नदी, और 3 बीघा क्या है गलियारा, इनको लेकर के ये विवादास्पद मुद्दे हैं। और इनकी बांग्लादेश की स्थिति क्या है, बांग्लादेश को हमने ही डेवलप करवाया और अभी हमने इनमें कनेक्टिविटी बिठाने के लिए हमने क्या दिया है, तो 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन दिए। अब अगला है नाबम राबिया मामला अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इन दिनों राजस्थान में एक राजनीतिक घमासान है जिसमें राज्यपाल और मंत्रिपरिषद को लेकर टकराव चल रहा है। तो एक बार अनुच्छेद 163 और 174 को लेकर के विवाद चल रहा है, वापस बोल रहा हूँ, 163 ये कहता है कि राष्ट्र, मतलब 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। और 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा का सदन आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और विधानसभा को भंग करेगा नियत समय पर और नियत स्थान पर राज्यपाल करेगा। अब यहाँ पे प्रश्न होता है, उठता है इन दोनों आर्टिकलों में
कि ये मतलब मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, इस बात को लेकर के राजस्थान में विवाद चल रहा है। तो ये एक नाबम राबिया का मामला है। नाबम राबिया अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई। तो ये मामला ये है कि नाबम राबिया का मामला ये कहता है कि राज्यपाल मतलब राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद की सलाह वो मानेगा, अगर नहीं मानता तो पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद उसको मानना आवश्यक है। तो इन दिनों इसको लेकर के विवाद चल रहा है, इसको लेकर के हरदर्मिता चल रही है। तो ये नाबम राबिया मामला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, और इसी कड़ी में आपका अनुच्छेद 163 और 174 चर्चा में है। तो देखिएगा, आज आप देखते हैं तो मंत्रिमंडल ने कल प्रस्ताव लेकर के और राज्यपाल को भेजा कि आप राष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन बुलाएं। तो राज्यपाल ने आज का पेपर आपने देखा हो तो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। अब पुनर्विचार के बाद वापस मंत्रिमंडल भेजेगा, उसके बाद क्या होता है तो देखिए आगे की राजनीति में। तो ये आपका नाबम राबिया का मामला है, ठीक है। चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट है 15वें वित्त आयोग ने राजस्थान की पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय संस्थाओं के लिए 1963 करोड़ की किस्त जारी की है। तो उस किस्त जारी की है तो उसके लिए हमें पूरा वित्त आयोग पढ़ेंगे, और वित्त आयोग एक अलग से टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे हम डिटेल से कल डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो कल डिस्कस हम वॉल्यूम अगला 29 जुलाई के करंट के साथ करेंगे। तो दोस्तों आप रोजाना करंट को देखते रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों से थोड़ी तुलना भी करें, और फिर आप देखें चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, कैसे जीके पढ़ा जाता है। तो आज की हमारी न्यूज़ थी 5, भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पर खोलेगी, दूसरी थी APJ कलाम की पुण्यतिथि, तीसरा बांग्लादेश और भारत संबंध, चौथा नाबम राबिया मामला, और पाँचवा वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। इस प्रकार से हमने 5 बातों को आपको बताया। तो मैं इसी के साथ कहूँगा कि वीडियो से जुड़े रहें और शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार। हम कल फिर आपके 29 जुलाई के करंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।